डिस्कस करना चाहूँगा उससे पहले कि एक इक्वेशन का पता कैसे लगाते हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम एक्स की पावर चेक करते हैं, अगर हाईएस्ट पावर 2 अवेलेबल है और उससे बड़ी कोई पावर नहीं है उस इक्वेशन में, उसी कंडीशन में ऐसा होगा कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3। हमें ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले चलो एक्सपेंड करते हैं इसको। तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस 2 x 1, ठीक है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3। 2x माइनस 2 x 3 6। अब इसको इस साइड ले आओ, माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 2x इधर आ गया, 2x से 2x कट जाएगा हमारा, प्लस 2 माइनस 6 इक्वल्स 0। हमारी इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स 0। एक्स की मैक्सिमम पावर 2 अवेलेबल है, उससे बड़ी कोई पावर नहीं है, मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3। ठीक है, सबसे बेसिक फंडा अपना, सबसे पहले एक्सपेंड करते हैं। एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू, इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया है, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर एक्स इंटू 3x, नो माइनस 1 x माइनस एक्स माइनस 3। यार पता है, एक बहुत अच्छी चीज़ दिखी। अभी तो हमें लग रहा है एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर है, ये वो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ऐसा लग रहा है ना। एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, क्योंकि जब भी एक्स स्क्वेयर यहाँ पे आएगा माइनस का हो जाएगा। देखते हैं क्या बचा, माइनस 2x प्लस x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस x 2x माइनस 3। इसको ले जाते हैं उस साइड, तो 2x माइनस माइनस x 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें x की पावर 2 अवेलेबल नहीं है, तो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं यार। ये एग्जाम्पल क्या कहता है, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले हमारा वही बेसिक फंडा, इसको खोलेंगे। किसी को याद है a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? पॉलीनोमियल से पढ़ा होगा यार, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab² + 3ba². ठीक है, खोलेंगे इसे। एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब 2 टू द 4 टू द 8 प्लस 3 x into 2 का स्क्वायर प्लस 3 into 2 into x का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 3। अब क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस 3 टू जा 6x² + 3 टू टू द 4 12x + 8 = x की पावर 4 माइनस 3। अब एक्स की पावर 4 माइनस 3 को इधर ले आएंगे, हमारा क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस 6x² + 12x + 8 + 3 हो जाएगा 11 - x की पावर 4। अब यहाँ पे दिख रहा है हमें कि हमारा एक्स स्क्वेयर तो है खैर इक्वेशन में, बट एक्स की पावर 4 भी है,
तो एक्स की पावर मैक्सिमम जो अवेलेबल है वो हमारे पास है 4, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है।